आ गई हैं, तो चलिए पूछते हैं कि आज वो क्या बनाने जा रही हैं। हेलो, तो आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज मैं जा रही हूँ एक बेस से चार तरह का मफिन्स बनाने, और आइए मैं दिखाती हूँ उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। मैदा 1 कप, कोको पाउडर, मिल्क और मिल्क मेड, टूटी फूटी चॉकलेट मेल्ट करके मैंने रख लिया है, चोको चिप, व्हाइट चोको चिप और ब्लैक चोको चिप, शुगर पाउडर, बटर, वेजिटेबल ऑयल, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये जो है स्ट्रॉबेरी सिरप, और हाँ एक क्रीम है जिसको मैंने व्हिप करके रख लिया है, और हाँ ये मफिन का मोल्ड है। एक बाउल में हम लोग ऐसे चलनी लगा लेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग मैदा डालेंगे। और बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे, और हाँ जो मैंने कोको पाउडर लिया उसको अभी हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि हमको अलग अलग फ्लेवर में बनाना है ना, इसलिए उसको अभी नहीं डालेंगे। और हाँ एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम लोग बटर डालेंगे। अंदाज से डालिएगा, हमने ऐसे ले लिया है, जितना जरूरत उतना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसमें शुगर पाउडर हम लोग डालेंगे, करीब 3 चम्मच डालिएगा, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि मिल्क मेड मीट डालना है हमें। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें मिल्क मेड डालेंगे, सबको हम लोग मिला एक साथ मिक्स करेंगे, फिर हम लोग इधर जो हमने मैदा तैयार किया उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग दूध डालेंगे इसमें, एक बार में नहीं डाल देना है, देख लेना है कि हमारा बैटर कैसा हो रहा है उसके बाद डालेंगे, सारा दूध नहीं डालिएगा एक बार में। और हाँ देखिएगा कि बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए, उसको गाढ़ा ही हमें रखना है। और हाँ वेजिटेबल ऑयल डालेंगे सारे मिक्स के बाद, सबसे लास्ट में हम लोग सोडा वाटर डालेंगे। और देखिए हमारा बैटर पूरा तैयार है, कुछ इस तरह आना चाहिए। और हाँ ये बैटर मेरा एकदम तैयार है, अब हम लोग इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। और हाँ हमारा चोको लावा चोको चिप का बेस एक जैसे होगा, इसलिए मैंने ये 2 का 1 साथ बैटर रखा है। और हाँ कोका पाउडर को भी हम लोग ऐसे चलने से चाल लेंगे, नहीं तो गुठली हो जाती है बीच में और तभी अच्छे से मिक्स होगा। और हाँ हम लोग इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा कोको पाउडर पूरा इसमें मिल जाए, कहीं से भी ना गुठली रहे इसमें, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ इसे भी मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है, इसमें हम लोग डालेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप,
थोड़ा और जाएगा, एक बार में नहीं डाल देना है। दूसरे वाले में हम लोग डालेंगे टूटी फूटी, इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम लोग दो हिस्सों में कर लेंगे क्योंकि एक तो हमें चोको लावा बनाना है। और चोको चिप डाल के हम लोग मिक्स करेंगे पहले वाले में, चारों कप को मैंने ग्रीस कर लिया बटर से और इसमें सारे बैटर डालेंगे चारों में चारों तरह का। और हाँ देखिए अभी माइक्रोवेव में जाने के लिए रेडी है, इसे हम लोग 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डालेंगे। और हाँ देखिए हमारा मफिन तैयार है, इसे अब हम लोग व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा, और ये सर्विंग के लिए रेडी है। देखिए मैंने तो मफिन्स बना लिया, आप भी बनाइए अपने बच्चों को खिलाइए और नेक्स्ट टाइम बताइए मैं क्या बनाऊं। और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू। और हमारे चैनल नमिताज होम किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।